नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। लूनी के रोहिचकला, धुंधाड़ा, दुदिया और सतलाना गांव के आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य जगह से हुई चोरी का लूनी पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए दो चोरों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया माल बरामद किया है। पुलिस ने मुखबिर व अन्य तकनीकी सहायता से अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की थी, जिसमें मनोहर राम मेघवाल व गौतम मेघवाल को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। लूनी थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से संपत्ति संबंधी अपराध बढ़ रहे थे। इसमें दूधिया, रोहिचा और धुंधाड़ा में नंदगढ़ केंद्रों के अलावा सतलाना में स्कूल में मोटर चोरी, गोलिया मगरा में पानी का पंप, रोहिचा फाटा पर धर्मकांटा से बैटरी, पापनाडा से एक इन्वर्टर बैटरी और सोलर प्लेट, इसके अलावा फींच में भीमजी सुथार के घर से पंखे और ट्यूबलाइट वगैरह चोरी हुए थे। जिस संबंध में हमारे थाने की टीम, जिसमें गणपत सिंह सब इंस्पेक्टर, सैतान राम हेड कॉन्स्टेबल, चेतन राम, श्रवण खोजा और धुंधाड़ा से विक्रम सिंह और भूपेंद्र, इन लोगों ने मिलकर काफ़ी मेहनत की और हमने कुछ ही दिनों में 7 वारदातों का खुलासा करके नारायण राम, मनोहर राम और गौतम को हमने गिरफ्तार किया। उदयपुर जिले के झाड़ौल उपखंड क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का मुखीकरण प्रशिक्षण संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण 24 व 25 दिसंबर को 2 दिन के लिए आयोजित हुआ। प्रशिक्षण के दौरान विकास अधिकारी ने पंचायत समिति सदस्यों से चर्चा की। इस दौरान समस्याओं को लेकर विकास अधिकारी को अवगत करवाया गया। उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत उपला आमड़ा में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें सरपंच तुलसीराम गरासिया की अध्यक्षता में खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो आदि खेलों का आयोजन किया गया। वहीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में आमड़ा वर्सेज लथुड़ी का मैच हुआ, जिसमें आमड़ा टीम विजयी रही। अजमेर जिला व नसीराबाद ग्रामीण पत्रकार समिति की बैठक न्यारा में जिला अध्यक्ष किशन अवतार पारेख व संरक्षक राजेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता व नसीराबाद उपखंड अध्यक्ष सत्यनारायण लक्षकार के सानिध्य में आयोजित की गई। बैठक में अजमेर जिला कार्यकारिणी से आए सदस्यों का नसीराबाद उपखंड ग्रामीण पत्रकारों द्वारा स्वागत किया गया। बैठक में राजेश कुमार वर्मा ने अजमेर जिला ग्रामीण पत्रकार समिति के रजिस्ट्रेशन कराने की जानकारी दी। बैठक में उपखंड के सभी क्षेत्रों से आए अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र की हर माह होने वाली मीटिंग के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान क्षेत्र से आए पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। बूंदी जिले के लक्ष्मीपुरा गांव में शिकारियों के पैंथर को जाल में फंसाने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर मौके पर DFO सोनल जोरीहार पहुंच गई। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में शिकारियों का आतंक बढ़ रहा है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी कई बार प्रभावी कार्रवाई भी कर चुके हैं। क्षेत्र में वनकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। शिकारियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। मौके पर भीलवाड़ा वन विभाग की टीम के अधिकारी भी मौजूद रहे। हो सकता है ये शिकारियों ने बाइक पर्पस ये लगाया होगा इसको पकड़ने के लिए। एक किल था यहाँ पे जिसको इसके बॉडी के साथ पाया गया, तो हो सकता है उसको शिकार में ऐसे फांसने के लिए उसको वहाँ पे लगाया गया। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये सीमा जो है भीलवाड़ा का है, तो हमने रेस्क्यू उसको करवा दिया। अब ये कोटा जो इलाज के लिए जाएगा, उसके बाद उसको रामगढ़ गिरफ्तारी सेंटर में जोड़ दिया है। और जहाँ तक बात है इसका शिकार हुआ या नहीं, ये तफ्तीश का विषय है। आगे इस पे जो भी गंगानगर, पदमपुर, रायसिंह नगर में अंधाधुंध पेड़ों का कटान हो रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों के हिसाब से रेहड़े लकड़ी से भर कर खाली होने के लिए मंडियों में जाते हैं, जिसमें प्रतिबंधित लकड़ी जैसे शीशम, कीकर, नीम, खेजड़ी, रोहिड़ा जैसे पेड़ आते हैं। तीनों मंडियों में लकड़ी माफिया प्रतिबंधित लकड़ियों को उचित दामों पर खरीद कर ले जाते हैं और फिर भी वन विभाग आंखें मूंदे हुए हैं और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। इस पे वन विभाग बिल्कुल कार्रवाई करता है और हमारी नियमित टीमें लगी हैं, गश्त विभाग लगा है इसमें। और जहाँ भी इसमें अवैध परिवहन की कार्रवाई होती है, कोई भी हमें सूचना प्राप्त होती है या हमारी पेट्रोलिंग टीम को रूटीन पेट्रोलिंग भी मिलता है, तो उस पर त्वरित हम नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। तो सर, ये तो पिछले कई सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ, ये बोलियाँ लगातार हो रही है, तो इन पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर, क्या कारण है? इसमें देखें, इसमें अगर वो लकड़ी छूट प्राप्त है उस क्षेत्र में, तो छूट प्राप्त लकड़ियों पे कार्रवाई करने का अधिकार वन विभाग को नहीं होता है। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर उपखंड क्षेत्र में बीती रात एक पैंथर के मूवमेंट होने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। यहां घायल अवस्था में एक पेड़ के पीछे छिपे पैंथर को रेस्क्यू कर वन विभाग कार्यालय लेकर आया गया। यहां से रविवार सुबह पैंथर को उपचार के लिए बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर भेजा गया। खबर आई कि गांव के पैंथर को अज्ञात वाहन ने किसी ने टक्कर लगा दी है, और पैंथर जब हम मौके पर पहुंचे तो
पैंथर के बैक साइड कमर की तरफ चोट लगी हुई थी, ताकि वो चल नहीं पाया उससे, और झाड़ियों में छुपा हुआ था, जिसको ट्रैंकुलाइज करके रेंज मुख्यालय चित्तौड़गढ़ लाया गया डिवीजन में। इसके बाद उपचार हेतु बायोलॉजिकल पार्क जयपुर भेजा गया। राजधानी जयपुर में राजेंद्र सैनी और अनेक कार्यकर्ताओं ने विद्याधर नगर विधानसभा के विधायक व भाजपा सरकार के कद्दावर मंत्री नरपत सिंह, के राजवी और एडवोकेट विजय भारद्वाज, प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे समर्थक मंच के सानिध्य में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इनके साथ ही मंच के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश नैवाल, मीडिया मोर्चा के प्रभारी नरेंद्र शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री बुंडू कुरेशी, अब्दुल राशिद, जयपुर शहर उपाध्यक्ष बाबू भाई, जफर भाई और मंच के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने 2023 को भाजपा मय करने का संकल्प लिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।